हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केबी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड 2024 एंड इट इज योर पार्ट 11, जिसमें हम लोग डिफरेंट ट्रेड का क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल ट्रेड और वेल्डर ट्रेड का भी क्वेश्चन दिया है। साथ ही साथ एयर एंड रेफ्रिजरेशन का भी क्वेश्चन आपको दिया है, तो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का भी आपको पार्ट मैंने कराया। तो ये आपका 11 नंबर पार्ट है, जो कि आपका फीटर ट्रेड का है, क्योंकि फीटर ट्रेड का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी मुझे लग रहे हैं फीटर ट्रेड के ही है। इसलिए मैं अभी कॉन्टिन्यूसली फीटर ट्रेड का ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ये फीटर ट्रेड का पार्ट नंबर 5 है, लेकिन आपका वीडियो का पार्ट नंबर 11 है, अगर हम सारे ट्रेड को मिला के देखें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कौन से ट्रेड का क्वेश्चन चाहिए, मैं उस ट्रेड का भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का बेस्ट एग्जांपल फॉर ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन इज, तो ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, रिंग लुब्रिकेटर, ग्रीस गन, टेल टेबल लुब्रिकेटर या फिर वीक फीड लुब्रिकेटर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, वीक फीड लुब्रिकेटर इज अ करेक्ट आंसर। आपका द हैमर विच इज यूज फॉर बेंडिंग स्ट्रेचिंग हैमरिंग इन टू सोल्जर्स इन साइड कर्व इज कॉल्ड क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पुश हैमर या फिर सॉफ्ट हैमर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्रॉस पेन हैमर। नेक्स्ट है, ऑन सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट पैरेलल टू अदर अक्रॉस द फाइल एट एन एंगल ऑफ अबाउट, तो किस एंगल में आपका होता है ये, तो ये आपका सारे डिग्री में है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 30 डिग्री। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। आपका इन हेक्स ऑफ ब्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सेटिंग वन टीथ इज बेंट ऑन वन साइड द नेक्स्ट इज केप्ट फ्लैट एंड द थर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट, सो अल्टरनेट सेटिंग, रेकर सेटिंग, वेवी सेटिंग या फिर टीथ सेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके रेकर सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर। आपका द प्रिक पुश हैज एन एंगल ऑफ, तो ये भी सारी डिग्री में आपका, क्योंकि आपसे एंगल पूछा गया है। तो यहाँ में प्रिक पुश का आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो जो रेजिस्टेंस होता है मतलब जो रुकावट होता है कोई भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्ट्रेंथ कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, टफनेस कहते हैं या फिर रिलायंस कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टिफनेस, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following metal has higher specific gravity? इनमें से higher specific gravity किसका होता है? तो iron, silver, copper या फिर aluminium, तो सबसे ज्यादा इनमें आपका specific gravity होता है silver का, उसके बाद iron, then copper and so on. Which of the following operation cannot be carried out on a lathe machine? Lathe machine में कौन सा operation हम नहीं कर सकते? तो knurling, threading, blanking या फिर drilling. तो आपका blanking जो है उसमें lathe machine में हम लोग blanking का use नहीं करते, मतलब ब्लैंकिंग का ऑपरेशन नहीं करते, नर्लिंग, थ्रेडिंग और ड्रिलिंग, ये तीनों आपका होता है लेथे मशीन में। नेक्स्ट है आपका, इन फोर्जिंग द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ए बार एट एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड, सो इट इज अपसेटिंग, ड्रॉइंग, बेंडिंग या फिर फुलरिंग। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अपसेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। आपका इन सीट मेटल वर्क द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग द एजेस ऑफ द सीट मेटल ओवर To make it smooth and stiff is called. तो ये जो प्रोसेस होता है जो कि जिसमें आपका फोल्डिंग ऑफ एजेस ऑफ द सीट्स मेटल को हम लोग करते हैं और उसे हम लोग स्मूथ और स्टिफ बनाने के लिए, तो इसमें कौन सा सीट मेटल का यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं, तो ये है सिंगल हेम का, डबल हेम, वायर्ड एज या फिर सीम का। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिंगल हेम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तो पूरे इस प्रोसेस को आपका सिंगल हेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन गैस वेल्डिंग द एसिटाइलिन सिलेंडर इज पेंटेड विथ, तो कौन से कलर का होता है एसिटाइलिन सिलेंडर, मैरून कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का या फिर व्हाइट कलर का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, मैरून कलर का ही होता है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट पॉसिबल टू कट बाय यूजिंग ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या फिर हाई अलॉय स्टील। सो कास्ट आयरन का हम कास्ट आयरन की कटिंग में हम लोग ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस का यूज नहीं करते। आपका द फीट इन विच देयर इज ए पॉजिटिव अलायंस बिटवीन द लार्जेस्ट पॉसिबल शाफ्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल इज इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट या फिर टाइट फिट। द ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियरेंस फिट इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, बेबिट मेटल इज एन अलॉय, बेबिट मेटल जो है
वो किसके एलॉय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। बहुत बार आपको डिफरेंट एलॉयज के बारे में पूछता है जिससे वो मेटल बना हुआ है। तो टिन कॉपर एंड लीड, टिन एंटीमोनी एंड कॉपर, टिन जिंक एंड कॉपर, नॉन ऑफ द अबव, द करेक्ट आंसर विल बी टिन एंटीमोनी एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ विच द ऑयल सीज टू फ्लो व्हेन कूल्ड इज कोल्ड, तो इट इज फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट या फिर पुअर पॉइंट, तो इसे हम लोग पुअर पॉइंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द कपलिंग विच इज यूज टू कनेक्ट टू सॉफ्ट विच आर इंटरेस्टिंग सॉरी विच आर इंटरसेक्टिंग इज कोल्ड, सो ये जो कपलिंग का प्रोसेस है वो कौन सा है इनमें से, फ्लेंज कपलिंग, मफ कपलिंग, ओडहम्स कपलिंग या फिर यूनिवर्सल कपलिंग, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। सो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। हर वीडियो में हम लोग 15 टू 20 क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए सॉरी एक और क्वेश्चन है इसके साथ साथ, कोकिंग एंड फुलरिंग आर द ऑपरेशंस डन टू मेक रिवेटेड जॉइंट फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, रस्ट प्रूफ या फिर लीक प्रूफ। तो ये जो आपका कोकिंग है और फुलरिंग, ये ऑपरेशंस को हम लोग यूज करते हैं रिवेटेड जॉइंट में ताकि लीक प्रूफ हो सके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ देना था, अभी मेरे चैनल पे आपका रेलवे, असम पुलिस, साथ ही साथ एडीआर 2.0 और ऑयल इंडिया लिमिटेड का सारा कंटेंट चल रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका अपकमिंग वीडियो में एसएससी से रिलेटेड भी लेके आने वाला हूँ, वेदर इट विल बी एमटीएस, सीजीएल या फिर सीएचएसएल, जो भी एग्जाम आने वाला है, सीपीओ का एग्जाम हो या किसी का भी, तो अपकमिंग वीडियोस यहाँ से भी आपको मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। हमारा फैमिली अभी 4K से भी ऊपर का हो गया है, तो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपके लिए देता हूँ हर एक समय। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि प्रीवियस जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था, जो कि असम स्टेट का एग्जाम है, जो कि मैं असम स्टेट से हूँ, तो ADR के एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है। तो जितना भी मुझे इस एग्जाम का आइडिया है मैं आपको सारा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, और ADR का जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ गारंटी है कि वहाँ से आपको GK में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरा ही आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू गाइस।